हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा व्लॉग लेकर आए हैं दोस्तों। आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे पूरा भंडारा, क्योंकि ये लास्ट मंगलवार के दिन का व्लॉग है। हमारे यहाँ भंडारा हो रहा था तो हमने सोचा आपको भी ये वीडियो शेयर करेंगे, तो मैंने पूरा व्लॉग बनाया है। आप सभी लोग बने रहिएगा, अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए सारे बच्चे लगे हुए हैं, ये सब घर के बच्चे हैं जो कि पूड़ी बनाने में मदद कर रहे हैं। अभी आटा और भी तैयार किया जा रहा है, तो ये कम से कम एक क्विंटल करीब आटा था, तो आधा आटा तैयार हो चुका है और आधा आटा तैयार हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ आटा साना जा रहा है और बच्चे भी लगे हुए हैं, छोटे बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं। इनको बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि ये काम इनको करने को नहीं मिलता है और आज ये पूरी तरह से आज़ाद हैं। इनको कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई मना भी नहीं कर रहा है, तो इनको बड़ा अच्छा लग रहा है और ये अपना लगे हुए हैं। तो देखिए इनको आनंद भी आ रहा है और मेहनत भी कर रहे हैं, आटा भी अच्छे से गूँथ रहे हैं। ये हमारे नंदोई हैं, हस्बैंड हैं, सब लोग लगे हुए हैं आटा गूँथने में और हलवाई उधर गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकालने शुरू हो चुके हैं। और अभी भंडारा बस शुरू ही होने वाला है 5 मिनट के बाद, क्योंकि जैसे ही पूड़ियाँ निकलेंगी वैसे ही बाबा जी को भोग लगाया जाएगा और सभी को प्रसाद भी दिया जाएगा। तो देखिए पूड़ियाँ बनकर इकट्ठी हो चुकी हैं, अब निकलने बाकी हैं, बस फटाफट पूड़ियाँ निकलनी शुरू होंगी और हमारा भंडारा शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए पूड़ियाँ निकलनी शुरू हो चुकी हैं। ये बच्चे सब आए हुए थे, नंद के बच्चे हैं हमारे, हमारी 4 नंदे हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब सब इकट्ठे होते हैं, 2-2, 3 दिन बच्चे सभी के हैं, तो जब ये सभी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और कोई भी काम होता है बहुत जल्दी हो जाता है, फटाफट ये सारे बच्चे हेल्प करा लेते हैं और कोई भी काम कठिन नहीं लगता, फटाफट सब हो जाता है। तो देखिए ये हलवाई हैं, इनको सिर्फ बनाना है और इनको पूड़ियाँ भी नहीं बनानी पड़ रही हैं, पूड़ियाँ भी बेली जा रही हैं। ये सिर्फ पूड़ियों को तल रहे हैं, सब्जी इन्होंने बना ली है, तो यहाँ पर सब्जी पूड़ी और बूंदी का भंडारा होगा। आस पड़ोस में किसी को नहीं बुलाया गया है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग ऐसे ही हैं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो देखिए सारा भंडारा तैयार हो चुका है, पूरा खाना बन गया है और अब बाबा जी को भोग भी लगा दिया जाएगा। ये हमारी सासू माँ हैं जो कि हनुमान जी की पूजा कर रही हैं और पूजा करने के बाद इनको भोग लगाएंगी और भोग लगने के बाद भंडारा शुरू हो जाएगा। अभी हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे क्योंकि अभी शाम को हमें जाना है अपने सिस्टर के यहाँ भी, वहाँ पर भी सुंदरकांड का आयोजन है तो हम लोग उसमें भी जाएंगे। तो अभी पहले ये भंडारा निपटाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे, वहाँ का भी पूरा व्लॉग हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पे पूजा कैसे हुई है, क्या क्या वहाँ पे हुआ है, आप सभी को हम पूरा दिखाएंगे। आप सभी लोग बस हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए बाबा जी को भोग लगा दिया गया है, भोग लगाने के बाद अब भंडारा शुरू ही होने वाला है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, हमको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से भंडारा शुरू होने में लेट हो गया है। ये करीब 1:30-2 बजे के करीब भंडारा शुरू हुआ है। हमारा प्लान था कि हम 11 बजे भंडारा शुरू कर देंगे लेकिन नहीं हो पाया, ऐसा लेट हो गया है थोड़ा। बाबा जी को भोग लगा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं ये सब्जी पूड़ी का भोग लगाया जा रहा है। सबसे पहले बाबा जी को भोग लगेगा और भंडारे के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठी होनी शुरू हो गई है, कुछ लोग आना शुरू हो गए हैं और थोड़ी ही देर में अभी देखना कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ शुरू हो जाएगी और भंडारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए भंडारा हमारा स्टार्ट हो चुका है और सभी लोग आने लगे हैं। Thank you.
कहते हैं लोग से संजीव भाई, ऐसे काम ना चलिए, आपकी फरमाइश।